Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. As you people know that we have started the chapter number 23rd of biology subject class second year. In our previous lecture we discussed about the DNA replication, that how the DNA replicate itself and why it is important for DNA to replicate. We have studied about these topics in our previous lectures. And in today's lecture, we are going to start or we are going to discuss one another interesting topic, that is about the process of DNA replication. And I hope you people very well know about the DNA replication, because we have studied that in our previous lecture, that what is DNA replication and through which method DNA replicate itself. And today lecture we are going to discuss the process through which DNA replicate itself, that how the DNA replicate itself. In our previous lecture we discussed and detailed the DNA replication, that what is DNA replication and how the DNA replicate itself. In this lecture we are going to discuss about the process of DNA replication, that how DNA replicate itself. And you people know that DNA is a double-stranded molecule, and these double-stranded are twisted around each other. Twisted means the DNA molecule twisted around each other. It means ki DNA ka jo molecule hota hai ye double-stranded hai, aur double-stranded ke baad ye jo double-stranded ka molecule hai ye kya hota hai, twisted hota hai, twisted around itself. ये एक स्ट्रैंड है और इसी के बाद ये क्या है, डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है. अब एक डीएनए का स्ट्रैंड दूसरे डीएनए के ऊपर क्या है, आप कह सकते हैं कि ये ट्विस्टेड है. कैसे ट्विस्टेड है, लाइक दैट. ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है और ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड इसके ऊपर क्या है, ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद है. और पिछले लेक्चर में हमने यह भी डिस्कस किया था कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन प्रोसेस है, यानी कि ये डीएनए है, ये जब अपनी कॉपीज बनाता है तो कॉपीज बनाता है थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. सेमी कंजर्वेटिव मॉडल हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें एक जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का, एक स्ट्रैंड अपना होता है और ये दूसरा क्या करता है, अपने लिए एक नया स्ट्रैंड बना देता है. और इसको हम क्या कहते हैं, फिर रिप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि डीएनए अपने लिए एग्जैक्ट कॉपी बना देता है. आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि डीएनए जो है कैसे अपने लिए कॉपी बनाता है और इस प्रोसेस को क्या करते हैं. ये बेसिकली डीएनए रिप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये तो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, चलता है, लेकिन फॉर कन्वीनियंट ऑफ स्टडी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस प्रोसेस को स्टेजेस में, यानी कि इसके क्या हो सकते हैं, तीन डिफरेंट स्टेजेस या तीन डिफरेंट क्या हो सकते हैं, फेजेस हो सकते हैं. नंबर फर्स्ट फेज हमारे पास क्या होगा, इनिशिएशन फेज, कैसे ये प्रोसेस शुरू होता है. नंबर सेकेंड फेज हमारे पास होगा एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन फेज. एंड द थर्ड वन फेज इज नोन एज द टर्मिनेशन फेज, यानी कि ये प्रोसेस स्टॉप होगा. तो जब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा तो हमारे पास एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल का क्या बन जाएगा, दूसरी कॉपी बन जाएगी. तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. डीएनए रिप्लिकेशन इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस. इसकी क्या है, स्टेप्स है. डीएनए रिप्लिकेशन के प्रोसेस के क्या है, स्टेप्स हैं. डीएनए रिप्लिकेशन इसके
तीन क्या है डिफरेंट स्टेप हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप इज दी, जैसे मैंने बोला कि जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन फेज एंड द थर्ड एंड द सेकेंड स्टेज इज दी एक्सटेंशन और यू कैन से पॉलीमराइजेशन। एंड द थर्ड स्टेज और द थर्ड फेज इज द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन फेज। अब इस प्रोसेस को सिंपली हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को सिंपली डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री स्टेप्स, क्योंकि ये तीनों स्टेप्स क्या है, इन्वॉल्व है किस चीज में, डीएनए रिप्लिकेशन के प्रोसेस में। इन तीन स्टेप्स में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करने स्टार्ट करने जा रहे हैं इनिशिएशन फेज, द फेज एन विच डीएनए स्टार्ट्स इट्स रिप्लिकेशन, यानी कि वो फेज जिसके अंदर द फेज एन विच डीएनए स्टार्ट्स, डीएनए स्टार्ट्स इट्स रेप्लिकेशन, यानी कि वो प्रोसेस, वो स्टेप जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है, इस प्रोसेस को, प्रोसेस के इस स्टेप को हम इनिशिएशन फेज कहेंगे। इनिशिएशन नाम से जा रहे हैं स्टार्ट करने वाला फेज। और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसी प्रोसेस में डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि इनिशिएशन फेज में एंजाइम्स क्या होते हैं, यूज होते हैं, एंजाइम्स यूज होते हैं किस चीज में, इनिशिएशन फेज में एंजाइम यूज होता है, यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि इस प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो एक हमारे पास एंजाइम होता है गायरेज, डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज। इसके अलावा एक और एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेलिकेज कहते हैं, हेलिकेज। इन दोनों एंजाइम का काम है, क्या काम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंगल क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड मौजूद है, जस्ट सपोज ये क्या है, डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड है और इसी के साथ डीएनए का क्या है, ये दूसरा स्ट्रैंड मौजूद है। अब इस दूसरे स्ट्रैंड का हमने क्या करना है, इन स्ट्रैंड की कॉपीज बनाने हैं। कैसे ये डीएनए क्या होगा, कॉपी बनाएगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेज है, यानी कि इनिशिएशन फेज है, उसमें एंजाइम यूज होते हैं डीएनए गायरेज और हेलिकेज। इन दोनों के क्या काम है, इन दोनों का काम यह है कि लोकेट हेयर डीएनए इज आर ट्विस्टिंग अराउंड ईच अदर, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे के ऊपर क्या है, ट्विस्टेड फॉर्म में है। इस ट्विस्टिंग को क्या करना है, खत्म करना है, क्योंकि ये ट्विस्ट खत्म होगी तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये सीधा हो जाएंगे। जब ये सीधा हो जाएंगे तो इसको क्या करना है, डीनेचर करना होगा, यानी कि अलग अलग करना होगा। और डीएनए का एज जो है ये क्या काम करता है, ये डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, दिस इज अ डीएनए मॉलिक्यूल, ये क्या है, एक सिंगल डीएनए है और इस डीएनए के क्या होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि डीएनए के एक साइड पे 3' लिखा होता है और इसके दूसरे साइड पर 5' लिखा होता है। अगर ये किसके ऊपर 5' है तो इसका जो दूसरा एंड है इसके ऊपर 3' लिखा होता है। ये क्यों, ये डिपेंड करता है उसके
जो कार्बन नंबर है वही सिर्फ डिनोट किए गए हैं, उसी की अरेंजमेंट बताई गई है कि एक साइड पे 3 प्राइम है और दूसरी साइड पर जो फास्फोडिएस्टर बॉन्ड होते हैं वो अटैच होता है कार्बन नंबर 5 के साथ राइबोस शुगर का। तो डीएनए का एरेज क्या काम करता है? डीएनए का एरेज इस डीएनए के मॉलिक्यूल के ट्विस्टिंग को खत्म करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस है जहां से डीएनए जो प्रोसेस है, डीएनए का जो प्रोसेस है किस चीज का रेप्लिकेशन का ये स्टार्ट होगा, और वो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जिस सीक्वेंस से स्टार्ट होता है उसके अंदर क्या होते हैं डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती हैं, और हर एक डीएनए के ऊपर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जहां से डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है उस रीजन को रेप्लिकेशन साइट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, आई हैव मेंशन दिस एरिया एंड कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल, नाउ दिस एरिया एज दी हैव द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच इज नोन एज दी दिस एरिया नाउ कॉल्ड रिप्लिकेशन साइट। रिप्लिकेशन साइट इट मीन्स या रिप्लिकेशन ऑरिजन या ऑरिजन ऑफ रिप्लिकेशन, यू कैन से ऑरिजन ऑफ रिप्लिकेशन जहां से रिप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होगा इनिशिएट होगा। तो प्रोकैरियोट्स में जो प्रोकैरियोट्स होते हैं सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उनके डीएनए के अंदर सिंगल एक ही ओरिजिन साइट होता है, लेकिन जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसके डीएनए के अंदर वो ज्यादा क्या होते हैं और रिप्लिकेशन साइट्स होते हैं क्योंकि उनके डीएनए मॉलिक्यूल्स लार्जर साइज के होते हैं। अब मैंने कहा कि ये प्रोसेस स्टार्ट होता है इनिशिएशन फेज से, और इस इनिशिएशन फेज में एंजाइम यूज हो रहे हैं डीएनए काइरेज और हेलिकेज। अब दोनों एंजाइम क्या काम करते हैं, जस्ट सपोज ये एक रीजन है, इसको क्या करना है, इसके अंदर स्पेसिफिक रीजन मौजूद है जिसको पहले जो क्वाइलिंग है उसको अनक्वाइलिंग करना है सिंपली, यानी कि रिप्लिकेशन बबल सी बन जाएगी। लुक इट हियर, ये जो रीजन है इतना ही रीजन जो है इतना जो रीजन था स्पेसिफिक रीजन जो था वो क्या हो गया ओपन हो गया। कैसे ओपन हो गया? विद द हेल्प ऑफ डीएनए काइरेज एंड हेलिकेज। डीएनए काइरेज क्या काम करता है? डीएनए काइरेज काम करता है कि ये अनकॉइलिंग करता है, अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की अनकॉइलिंग को खत्म करता है। ये जो रीजन है ये क्वाइल है, लेकिन जब यहां पर पहुंचते हैं तो ये अनक्वाइल्ड हो गया है। अब इसकी अनक्वाइलिंग खत्म हो गई है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम व्हिच इज नोन एज द डीएनए काइरेज। और हेलिकेज क्या काम करता है? हेलिकेज हैव द फंक्शन टू ब्रेक डाउन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड। यहां पर क्या होते हैं, लुक इट हियर, इसमें क्या होते हैं स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं। एज यू पीपल नो दैट there are 4 different types of nitrogenous bases and the bond between and the bonds between these nitrogenous bases are the hydrogen bonding। ab ye jo region hai yahan par kya maujood hai, yahan par wo bonding maujood hai, lekin jo ye wala region hai, jo ye wala region hai isme hydrogen bonding kya ho gaye hain, toot gaye hain with the help of enzyme DNA यानी कि हेलिकेज के थ्रू, और हेलिकेज ऐसा एंजाइम है जो कि इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ता है। अब यहां पर एक रीजन सा बन गया, यानी कि ये कंप्लीट एक क्या बन गया, एक रीजन सा बन गया जिसको अब हम क्या कहते हैं, जिसको अब हम रिप्लिकेशन बबल सा कहते हैं। इस रीजन को दिस रीजन इज कॉल्ड नाउ रिप्लिकेशन बबल।
रिप्लिकेशन बबल, यानी कि इस रीजन को रिप्लिकेशन बबल कहा जाता है। और इसके बाद डीएनए का जो ये बबल है, यानी कि रिप्लिकेशन का जो बबल है, ये क्या होता है, ये स्प्लिट होता है, टूट जाता है। लुक इट हियर, इस तरह ये जो टूट गया इस रीजन को, यानी कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इधर टूट गया है, इस रीजन को कहते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क, रिप्लिकेशन फॉर्क। फॉर्क जानते हो ना, जिस जो कांटा होता है जिसके थ्रू काटते हैं, तो डीएनए का स्ट्रक्चर सेम उसी तरह का अपीयरेंस दे जाता है, जिसको हम सिंपली रिप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। और इसके बाद इसका जो प्रोसेस है, यानी कि ये हम फर्स्ट स्टेप में कह रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप में ये प्रोसेस हो रहा है। डीएनए रिप्लिकेशन के ऊपर स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जिनकी अनकॉइलिंग हो जाती है, एंड विद द हेल्प ऑफ डीएनए गायरेज या टोपोइसोफरेज इसको कहा जाता है। और इसके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेलिकेज। और डीएनए का पूरा स्ट्रैंड था ये, एक जिस जगह पर रिप्लिकेशन साइट था उस जगह पर रिप्लिकेशन फोर्क बन जाता है। अब इस रिप्लिकेशन फोर्क में क्या है, दो चीजें बन गई हैं, एक ये वाला स्ट्रैंड है, ऊपर वाला स्ट्रैंड है, जिसकी क्या होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगे ना, जैसे मैंने कहा था कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये बेसिस मौजूद है, और यहां पर भी इसकी क्या है, ये मौजूद है हाइड्रोजन ना, जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है वो मौजूद है, लेकिन इनके दरमियान में बॉन्ड जो है वो टूट गए हैं विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। अब ये काम फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट प्रोसेस में ये काम हो गया, फर्स्ट फेज में ये काम हो गया। दूसरा जो फेज है इसको क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन फेज कहते हैं या एक्सटेंशन फेज कहते हैं, यानी कि डीएनए का जो स्ट्रेन है उसकी पॉलीमराइजेशन होगी, डीएनए का जो स्ट्रेन है उसकी क्या होगी, पॉलीमराइजेशन होगी विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम विच इज नोन एज द डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि एडिंग ऑफ प्राइमर एंड एक्सटेंशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, एडिंग ऑफ प्राइमर। अब यहां पर एक वर्ड आ गया प्राइमर, यानी कि इस जो रीजन है इसकी हमने क्या करनी है, दो अलग अलग से स्ट्रैंड बनाने हैं, इसके लिए अपना स्ट्रैंड बनेगा और इस रीजन के लिए अपना स्ट्रैंड बनेगा। तो यहां पर जो सीक्वेंस है उसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3, जो कि यूज होता है, जैसे यहां पर एंजाइम यूज हो रहे थे तो यहां पर भी एंजाइम यूज होता है, एंजाइम यूज होता है कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज 3 जिसको कहा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज, इसके अलावा एक और एंजाइम यूज होता है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको प्राइमेज कहा जाता है। प्राइमेज, प्राइमेज का क्या काम है, प्राइमेज का ये काम है कि ये प्राइमर ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर आर दी शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, प्राइमर आर दी शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और जब ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या हो जाएगा, यहां पर ऐड हो जाएगा, यहां पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का छोटा सा पीस क्या होगा, ऐड होगा। इस पीस को हम क्या कहते हैं, इस पीस को हम कहते हैं प्राइमर, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिवेशन के लिए प्राइमेज यानी प्राइमर का होना जरूरी है, तब ही वो क्या करेगा, अपना प्रोसेस शुरू करेगा। और ये क्या है,
स्मॉल इसके साथ क्या मिल गया, ये स्मॉल इसके साथ प्राइमर है। प्राइमर क्या चीज होती है, प्राइमर आर दी शॉर्ट सीक्वेंस, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है प्राइमर, जरूरी होता है डीएनए पॉलीमरेज के एक्टिवेशन के लिए, और ये ऐड होता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम के थ्रू ये प्राइमर ऐड होता है। प्राइमर जब ऐड होगा तो इनिशिएट जो रिप्लिकेशन का प्रोसेस है ये शुरू होगा, और किस तरह शुरू होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है ये एक एक न्यूक्लियोटाइड को पकड़ के लाएगा और इसके साथ एक दूसरा क्या बनेगा, स्ट्रैंड बनेगा। ये इस तरह का स्ट्रैंड जो है ये बनेगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और एक ही डीएनए पॉलीमरेज एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता आएगा और ये स्ट्रैंड जो होगी इसकी एलॉन्गेशन होती जाएगी। और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, वो ऐड करता है रिप्लिकेशन, जो यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है और इसकी सीक्वेंस क्या होती है 5' to 3' end तक क्या होती है, और इसकी सीक्वेंस होती है जैसे कि ये 3' है तो इसका ये वाला रीजन इस तरह क्या होता है, बढ़ता जाता है और 5' दूसरा इसका एंड है। और साथ साथ में ये जो एंजाइम है इसकी क्या करते हैं, जो पिछले स्टेप में आई थी डीएनए काइनेज, इसको क्या करता है, अनकॉइलिंग करता है और इसके दरमियान में जो बॉन्ड मौजूद होते हैं इसकी ब्रेकिंग करते हैं हेलिकेज एंजाइम, और ये प्रोसेस इस तरह क्या हो रहा है, जा रहा होता है। जितना डीएनए का मॉलिक्यूल है उतना ही डीएनए का मॉलिक्यूल क्या होगा, अनकॉइलिंग होगी, जो इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी ब्रेक डाउन होगी और एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा और ये देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट क्या बना है, नेक्स्ट स्ट्रैंड बन गया है, ये विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 बन गया है, जो कि मेन एंजाइम है किस चीज का, पॉलीमराइजेशन का, जो कि पॉलीमराइजेशन करता है, एक्सटेंशन करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है विद द डीएनए मॉलिक्यूल। क्लियर है। और जो दूसरा प्रोसेस है यानी कि जो दूसरा स्ट्रैंड है, अच्छा इस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे, जिसकी प्रोसेस क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली ये स्ट्रैंड बन रहा है। कंटिन्यूअसली मींस कि ये प्राइमर ऐड हुआ है और ये जा रहा है इस तरह के दूसरा स्ट्रैंड इसके साथ बनता जाएगा। तो ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस हो रहा है और इस कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का जो बन रहा है इसको हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या हो रहा है, बन रहा है और विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, यहां पर पॉलीमरेज का एंजाइम क्या हुआ है, अटैच हुआ है और इसके थ्रू ये प्रोसेस जो है एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं और ये साथ साथ इस तरह मूवमेंट कर रहा है तो ये जा रहा है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द रिप्लिकेशन फोर्क, यानी कि ये इस तरह इस डायरेक्शन में जाएगा और एक एक न्यूक्लियोटाइड मिलता जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ अटैच होगा और ये प्रोसेस क्या होगी, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रिप्लिकेशन फोर्क होगी, यानी कि ये क्या है, रिप्लिकेशन फोर्क है, इधर दूसरा रिप्लिकेशन फोर्क बनेगा तो उसकी तरफ क्या हो रही है, ये उसी की डायरेक्शन में इसकी पॉलीमराइजेशन हो रही है। ये मैं एक स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ जो दूसरा क्या है, स्ट्रैंड है, इसी को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेज में अगर हम देखें तो जस्ट सपोज इस तरह होता है, ये वही सेम डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये वही डीएनए का मॉलिक्यूल है और ये क्या बने हैं, ये फोर्क बना हुआ है, इसका क्या बना, इसका ये वाला जो स्ट्रैंड था इसके बॉन्डिंग क्या हो गई, बन गई दूसरे के साथ, ये दूसरा स्ट्रैंड बन गया। अब बात करते हैं इस स्ट्रैंड की ऊपर जो क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग है,
जैसे जैसे ये प्रोसेस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये जो दूसरा स्ट्रैंड है इसके साथ भी क्या होती है, इसके साथ भी एक एंजाइम यानी कि उसी तरह प्राइमेज लगता है और पॉलीमराइजेशन जो है वो होती है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमराइज। लेकिन यहां पर मसला ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है, एक्सटेंशन करता है विद द फ्रॉम 3' to 5', लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, उलट होता है। जस्ट सपोज इस तरह कि एक इसके साथ, एक क्या है 5' है और एक इसका 3' है। अब ये जो बन रहे हैं इस तरफ क्या बनेगा, ये स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी अगेंस्ट होगी। अब ये एक क्या बना है, ये एक स्मॉल पीस बना है और ये विद हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बना है। इसके बाद दूसरा क्या होगा, इस तरह का पीस बनेगा और इस पीस को हम क्या कहते हैं, इस फ्रेगमेंट को, यानी कि ये पीस और ये पीस ये क्या है, फ्रेगमेंट्स हैं, और इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। इन फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्यों कहा जाता है मैं बताता हूं। ये सिंपल क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, अब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेजी ओकाजाकी, इसके बेस पे इसको क्या किया था, नाम दिया था। साइंटिस्ट नेम ओकाजाकी, इस वजह से इसने कहा था कि ये जो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है ये होता है कंटिन्यूसली नहीं होता बल्कि ये डिसकंटिन्यूसली होता है। और जैसे आपने कहा, आपने देखा कि ये वाला स्ट्रैंड कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, अपनी वो पॉलीमराइजेशन कर रहा था, लेकिन जो इसका दूसरा स्ट्रैंड है ये करता है किस चीज में, फ्रेगमेंट्स की सूरत में, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होता है, अलग होता है, और इस डायरेक्शन में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो काम करता है तो वो फ्रेगमेंट्स बनाता है और एक एक फ्रेगमेंट बनता है और एक एक फ्रेगमेंट की क्या होती है, फिर पॉलीमराइजेशन होती है। और इसी तरह ये जो डायरेक्शन है ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फोर्क होगी, यानी कि पहला ये वाला बना था अब ये बना है, इसी तरह और बनते जाएंगे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फोर्क, यानी कि रिप्लिकेशन फोर्क से उस साइड पे जा रही है, और ये इसकी डायरेक्शन क्या थी, रिप्लिकेशन फोर्क की तरफ थी। और इस स्ट्रैंड को हम क्या नाम देंगे, इस स्ट्रैंड को नाम देंगे कि ये क्या है, ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग। लैगिंग स्ट्रैंड है और वो क्या था, लीडिंग स्ट्रैंड था जो कि कंटिन्यूसली बन रहा था, जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसकी क्या हो रही है, डिसकंटिन्यूसली हो रही है, यानी कि आप देख रहे हैं यहां पर फ्रेगमेंट जो है इसमें कट है और स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट के थ्रू ये क्या होता है, बनता जाता है, तो जितना यहां से ओपन होगा उतना ही फ्रेगमेंट की क्या होगी, रिप्लिकेशन होगी, अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फोर्क, क्योंकि आगे क्यों नहीं होगी, आगे का जो वो है डीएनए है मॉलिक्यूल है वो क्वाइल्ड फॉर्म में है, तो जितना अनक्वाइल्ड होगा उतनी ही पीस की क्या होगी, रिप्लिकेशन होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फोर्क। ये आप देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन, इस स्ट्रैंड की जब दूसरा स्ट्रैंड बन रहा था तो ये टुवर्ड्स दी रिप्लिकेशन फोर्क जा रहा था, लेकिन ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला जो पॉलीमराइजेशन है, ये अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फोर्क आ रहा है, तो ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअसली बन रहा है दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का, और इसको हम क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और इन फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेजी ओकाजाकी, उसने डिस्कवर किया था, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कवरी दीज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जो कि
डिफरेंट ऑर्बिट क्या होती है इसमें, जंपिंग होती है, यानी कि आते हैं और इसकी जितनी ओपन होंगे, जितनी इसके रिप्लिकेशन फोर्क बनेगा, उतने ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की क्या होगी, पॉलीमराइजेशन होगी। और यहां पर एक स्ट्रैंड के साथ पॉलीमराइजेशन हो गई और यहां पर दूसरे पॉलीमराइज दूसरा जो स्ट्रैंड था उसके